सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे रहेंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग किधर घूमने वाले हम नहीं, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हमारे व्लॉगिंग टूल्स जो हम लोग ने लिए थे। हम लोग मॉल से थोड़ा ही सामान ले पाए क्योंकि वहाँ पे और सामान नहीं था, तो हम लोग ने उसको फ्लिपकार्ट से बुक किया था। तो चलो आपको दिखाते हैं। सो हे गाइस, पहले अपन अनबॉक्स करेंगे इस ट्राइपॉड को। तो गाइस बात करें तो ये ट्राइपॉड हम लोग ने इसमें हम लोग का शायद से खाली 140 की इतने ही रुपीज़ लगे थे, क्योंकि हम लोग के पास सुपर कॉइन्स बहुत थे और हम लोग ने वो सुपर कॉइन्स लगा के इससे मंगा लिया। तो चलो फिर अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। पहले अपन यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। ये रहा काला कपड़ा और इस काले कपड़े के अंदर है, देखो। अब यहाँ से अपन ओपन करेंगे। और गाइज इसमें मतलब हम लोग ने ज़्यादा मतलब क्वालिटी नहीं देखी, पर तभी भी अच्छा ही है, आप देख सकते हो। ये देखो। सो गाइज अभी इसको अपन फिलहाल साइड में रखते हैं और देखते हैं और कुछ है कि नहीं इस बैग में। कुछ है शायद से। तो गाइज ये है होल्डर जिसमें अपन अपना फ़ोन अटैच कर सकते हैं और फिर अपने को इस पर अप्लाई करना है। तो गाइज अभी अपन इसको फिलहाल साइड में रखते हैं और जो दूसरे टूल से उन लोग को अनबॉक्स करते हैं। सो हे गाइज, अपना नेक्स्ट टूल है वो ये ट्राइपॉड होने वाला है, छोटा वाला। तो अभी अपन इसको अनबॉक्स करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। ये देख सकते हो, ये है अपना नेक्स्ट लेवल वाला ट्राइपॉड। और अभी इसको यहाँ से निकालते हैं बाहर। ये देख सकते हो, ये है हमारा ट्राइपॉड जो काफ़ी मजबूत भी लग रहा है मेरे हिसाब से, तो अच्छा ही है। और फिर ये है अपना मोबाइल होल्डर जो अपन उसमें लगाएंगे। यहाँ से एक्सटेंड होता है, आपके मोबाइल के साइज़ के ऊपर है आपको कितना एक्सटेंड करना है ये। सो गाइज अभी फ़िलहाल इनको भी साइड में रखते हैं और आगे का अनबॉक्स करते हैं, बाद में देखेंगे अपन इसको। सो हे गाइज, जो अपना नेक्स्ट गैजेट होने वाला है वो है अपना बोया MM1 का माइक। आप देख सकते हो, ये शॉटगन माइक इसे बोलते हैं। ये व्लॉगिंग के लिए यही वाला माइक आता है। और एक वो होता है वो उसमें बहुत लंबी वायर होती है, वो शायद से दूसरे कैटेगरी में काम आता है। तो चलो फिर इसे भी अनबॉक्स करते हैं। तो गाइज ये है बोया की किताब जो कि कोई ही पढ़ता नहीं है और मैं भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। और गाइज आप देख सकते हो, ये है वारंटी कार्ड, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, तो मेरी बस की तो बात नहीं है पढ़ना, तो इसको अपन साइड में रखते हैं। और फिर है बोया का दो स्टिकर, आप देख सकते हो बोया का जिस पर बोया लिखा हुआ है, ये स्टिकर है। और फिर आता है अपना माइक, आप देख सकते हो। पहले अपन ये स्टैंड उठाते हैं, ये स्टैंड है और ये कैसे लगेगा क्या लगेगा वो सब हम लोग लगाएंगे आपके सामने ही, आपको दिखाएंगे। इसको भी रखते हैं साइड में। और फिर ये आता है अपना कनेक्टर। तो गाइज मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है ये कैमरास के लिए यूज़ होता है। अगर आपको इस माइक को कैमरा में अटैच कर वीडियो शूट करना है तो फिर ये आप लगा सकते हो। और फिलहाल अपन तो कैमरा यूज़ करने वाले नहीं है, तो फिर इसको साइड में रखते हैं। और फिर ये है अपने फ़ोन के लिए, तो अगर हमें फ़ोन से अपना शूट करना है इस माइक को लगा कर तो फिर ये काम आएगा, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और फिर ये तो आपको मालूम ही होगा। और फिर ये क्या है, ये कुछ लिखा है, जाने दो। और फिर ये आता है बोया का बैग जिसमें हम ये सब सामान रख सकते हैं, आप देख सकते हो। इसमें बोया की ब्रांडिंग भी की गई है, उनका लोगो वगैरह सब है। इस बैग को भी साइड में रखते हैं। और फिर आता है अपना माइक, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी सॉफ्ट सा माइक है। और इस पर आप देख सकते हो, और फिर इसको अभी बाहर भी निकाल सकते हैं हम। रुको, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये सिर्फ इसलिए रहता है कि थोड़ा जो वॉइस क्वालिटी है वो बहुत क्लियरली अंदर जाए और ज़्यादा कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आता है, बैकग्राउंड का कुछ आवाज़ें आती हैं वो ये रिड्यूस करता है इसके कारण। देख सकते हो, ये माइक है अपना। तो गाइज अभी हम लोग ने इसकी भी अनबॉक्सिंग अच्छी तरह से कर दी है, तो फिर अभी इसको भी कैसे यूज़ करना है, कभी यूज़ करेंगे वो सब आगे करने वाले, तब तक अगला क्या है वो देख लेते हैं। सो हे गाइज, जो अपना नेक्स्ट गैजेट होने वाला है वो है लाइटनिंग हेडफोन जैक, जो कि हम लोग को क्रोमा में ही मिल गया था ओबेरॉय मॉल में जब हम लोग गए थे, तो इसको भी हम लोग ने वहाँ से ले लिया था। और ये आईफोन का है, तो आईफोन के लिए ही यूज़ होगा।
और इसको हम लोग ने माइक हम लोग क्योंकि माइक तो यूज़ कर नहीं सकते डायरेक्ट, इसलिए हमें ये ख़रीदना पड़ा। तो इसको फ़िलहाल मैंने वहाँ खोल दिया था क्रोमा में एक बार चेक करने के लिए, तभी भी आप लोग को खोल के दिखा देता हूँ। ये कुछ शायद से वारंटी कार्ड है, प्रोमोशनल ऑफ़र 100 रुपीज़ कैशबैक। गाइस आप लोग को 100 रुपीज़ फटाक से मिलेगा, जल्दी से स्टेप्स को फॉलो करो और 100 रुपीज़ अपने जेब में भर लो। और फिर ये है देखो अपना मेन जो है, और ये अपने फ़ोन में लगेगा, और यहाँ पे जो अपना ईयरफोन का जैक होता है उसको लगा देना है। और हम लोग तो इस खासकर माइक के लिए ही यूज़ करने वाले हैं, मेन हम लोग ने उसके लिए ही लिया है। तो फ़िलहाल इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या है। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। यहाँ से फाड़ देता हूँ मैं डायरेक्ट। ये गाइस कुछ खास नहीं है, वो क्या है ना जो अपना छोटा वाला ट्राइपॉड है ना उसमें हम माइक अटैच नहीं कर सकते, इसलिए मेरे को ये अलग से मंगाना पड़ा। इसमें मैं माइक भी अटैच कर सकता हूँ, उसमें सिर्फ फ़ोन अटैच कर सकते थे, मैं इसके फ़ोन के साथ माइक अटैच कर सकता हूँ। रुको मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइस इसको हमें अलग से इसलिए मंगाना पड़ा क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ ये दिया गया है, यहाँ पे माइक लगता है, और वो जो हमारे ट्राइपॉड के साथ आया उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, उसमें खाली ये एक स्क्रू लग सकता है जो कि डायरेक्ट ट्राइपॉड पे ऐसे अटैच हो जाएगा, तो उस पर हम माइक नहीं यूज़ कर सकते थे। तो इस पर हम माइक भी लगाना, हम लोग को तो यूज़ करना है ये माइक, तो इसलिए हम लोग को ये अलग से मंगाना पड़ा। बस इतनी ही चीज़ें मंगाई हैं, और फिर अभी आगे यूज़ कैसे करना है वो सब आपको सत्यम भाई बताने वाला है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी हम आपको बताएंगे कैसे हमें इसको यूज़ करना है माइक और फोन के साथ। सो गाइस इसको ट्राइपॉड इसको ये जो इसके साथ आया था कंपनी तब से इसमें देखो माइक का वो नहीं दिया जाएगा, तो हमें इसको भी चेंज करते हैं, जो नया वाला लाया उसको इसमें कनेक्ट करते हैं। अभी देखो गाइस ये लग चुका है, अभी अच्छे से टाइट भी हो चुका है। तो अभी जो माइक का स्टैंड है, ये देखो ये माइक का स्टैंड है, इसको स्क्वायर टाइप का है, तो इसको हमें इसके अंदर अटैच करना है। ये देखो उसको ऐसे अटैच किया, और ये जो सर्कल है इसे आपको घुमा कर टाइट करना है। तो ये देखो ये अच्छे से टाइट हो गया, फिर बाद में टाइम आता है माइक की। तो ये देखो ये माइक हम लोग ने ला दिए, अब ये माइक को इसमें ऐसे अटका देना है, हो गया। ये देखो ये माइक अटक गया, और कभी भी याद रखना गाइस ये आपके फेस के सामने ही रहना चाहिए, कि इसका मुंह पीछे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आवाज़ उतने अच्छे से ये कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो ये लगा दिए, अभी वायर बात आता है वायरिंग की। तो इसके अंदर ये देखो ये दिया, ये देखो इधर ड्रॉबिक है माइक, और इधर लिखा है स्मार्टफोन, और ड्रॉबिक है स्मार्टफोन। तो ये आपके मोबाइल में लगेगा और ये माइक में लगेगा, तो इसको माइक में ऐसे लगा देते हैं हम लोग। और ये जो मोबाइल, तो ये हम लोग का ये वाला मोबाइल है, एंड्रॉयड है, iOS में है, तो हम लोग इसमें घुसा रहे डायरेक्ट, और फिर इसको इस पर सेट कर दे रहे हैं हम लोग। ये देखो गाइस ये हो गया सेट। सो हे गाइस अभी हम लोग अपना ट्राईपॉड चेक करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, ओपन करके देखते हैं, देख सकते हो बहुत धूप है यार, मतलब इतना धूप है ना हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते मालूम है, पूरा टाइम सिर्फ हम लोग सुबह और शाम को यही दो समय है जब भी हम लोग निकलते हैं घर से बाहर, नहीं तो बहुत धूप है। सुबह से तो को इसमें एक तरफ है मीटर भी दिया कि आप ये एरिया देख सकते हैं कि ऊपर या नीचे लेवल में भी कर सकते हो। पहले हम इसको जॉइंट कर लेते हैं। ये मेरे को एकदम बेकार लग रहा है क्योंकि इतना टाइट है कि अगर कोई फ़ोन भी लगा दिए तो ये तोड़ देगा, ये बहुत टाइट है। और फिर इसको ऐसे ओपन करते हैं, और यहाँ पे क्लिप दिया है तीन तीन सब में, तो ये दो तीनों क्लिप ओपन कर लें तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इस पर मोबाइल भी आप लगा सकते हो, और फिर बाद में इसका हाइट भी आप बढ़ा सकते हो। ये देखो इस पर टीएट नट को ढीले किए, ये हो गया बस, अब इससे ज़्यादा इसका हाइट बढ़ेगा नहीं। और बाद में इसको टर्न और इसको ढीला करके आप इसका एरिया अप एंड डाउन चेंज कर सकते हैं ऐसे करके। गाइज मैं आप लोग से थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेता हूँ कि हमारे इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो देखो गाइज ये सब ब्लॉग जो मैंने ओबेरॉय मॉल ये सब डाले ना, ये सब हमने 1920 तभी का शूट किया था, एडिट करके भी रखा था मैंने, एडिट हो गया था। पर यार गांव में जब से आया हूँ ना नेटवर्क का इतना प्रॉब्लम है ना, अभी ये वीडियो भी कितने मेहनत से डालूंगा वो मुझे मालूम है, और फिर आप लोग को क्वालिटी भी नहीं दे पा रहा उसके लिए सॉरी। क्योंकि देखो यार क्वालिटी मेरी गलती नहीं, उसमें देखो मेरा फ़ोन अच्छा शूट होता है, मैं भी शूट करता हूँ फुल 4K 60 FPS पे शूट करता हूँ,
पर यार अपलोड नहीं हो रहा ही नहीं, तो फिर वो मेरे को थोड़ा क्वालिटी कम करना पड़ रहा है, और बस और कोई कारण नहीं है, और बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो अपलोड करने में। तो हो सकता है वीडियो आप लोग को कम मिले, और आप ही देख सकते हो मैंने 21 को मतलब यार एयरपोर्ट शूट किया था, और देखो अभी तक वो मैंने उस कल परसों डाला है। तो आप ही समझ जाओ कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं, अपन धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगा। सो हे गाइस, आज की वीडियो सिर्फ हम लोग ने अनबॉक्सिंग करने के लिए ही बनाई थी, इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग दिखाने नहीं वाले। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो यार आप लोग को भी फ़ायदा होगा, हमारी वीडियोस आ जाएंगी वैसे ही आप लोग को पता चल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और हमें भी बहुत फ़ायदा है आप लोग के सब्सक्राइब करने से। और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।